श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः प्रत्यग्बोधो य आभाति सः अद्वयानन्दलक्षणः अद्वयानंद रूपश्च प्रत्येक बोधैक लक्षण दोनों प्रकार से जो हमारा स्वरूप है वह अद्वयानंद लक्षण जिसमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं है। अद्वय का तात्पर्य है कि जिसमें अन्य की संभावना नहीं, जैसे किसी को समझो एक ही लड़का है तो उसका इंट्रोडक्शन ऐसा कर दे क्या, ये हमारा बड़ा लड़का है, तो एक ही है तो बड़ा क्या छोटा क्या। इसी प्रकार से अखंड का तात्पर्य है कि जो अनंत है, एकमेव अद्वितीय, और वही अपना स्वरूप है, यह प्रत्येक बोध हो ये अपना अनुभव है, यही आनंद है। और अद्वयानंद रूपश्च, और जो ऐसा अखंड स्वरूप है वही अपना स्वरूप है और अपना स्वरूप अखंड आनंदमय है। इस प्रकार से दोनों तरफ से ये यहाँ तत्वमसी महावाक्य में हमको सत्सिद्ध कर दिया। तत्वमसी तुम वो हो और वो तुम हो। भक्ति में कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, बात एक ही है, चाहे भक्ति की बात करो चाहे ज्ञान की करो। इस प्रकार से यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था, अब यहाँ कहते हैं कि ये जो हमारी इंक्वायरी अनुसंधान चिंतन है इसके द्वारा हम अद्वैत के आनंद को पहुंच जाते हैं। इसलिए इत्थम अन्योन्य तादात्म्यात् प्रतिपत्तिर् यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्ते तदैव हि। इस प्रकार से चिंतन करते करते जब मैं और परमात्मा ये दो नहीं है, एक ही है, मैं पति और आदमी ये दो नहीं एक ही है। अब जब हम बात करते कि मैं और पति, तो ऐसे लगता है कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, लेकिन एक ही को दो प्रकार से कहा गया है। उपाधि रहित होगा तो आदमी, उपाधि युक्त हो गया तो पति। इसी प्रकार से यहां कहते हैं इत्थम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति, जब ये दोनों में एकता है, यह प्रतिपत्ति यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है, तो ध्यान से सुनना, मैं देह हूं तो बाकी देह से अलग हो गए, मैं जीव हूं तो बाकी देह से अलग हो गए, लेकिन यह जो जीव है ये असल में परमात्मा ही है, केवल उपाधि के कारण इसको जीव कहते हैं। इसीलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। तो अनेकता उपाधि की होते हुए भी जो एक तत्व सब में प्रकट हो रहा है उसमें कोई भी हानि नहीं हुई। इसीलिए अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति यदा भवेत्, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जब मैं की बात करता है तो इस मैं का क्या अर्थ है। देखो, मैं बूढ़ा हूं, मैं का अर्थ हो गया शरीर, मैं भूखा हूं, मैं का अर्थ हो गया प्राण, मैं दुखी हूं, मैं का अर्थ हो गया मन, मैं सेल्फ मेड हूं, मैं का अर्थ हो गया बुद्धि, मैं हैप्पी गो लकी हूं, मैं का अर्थ हो गया आनंदमय कोश। अब मैं इन सबसे अलग हूं, जिसको कहते हैं आत्मख्याति, मैं इन पंच कोशों से अलग हूं। अब एक गड़बड़ी हो जाती है, मैंने तो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया है लेकिन लोग नहीं पहचानते। तो ये जो मैंने अपने को आत्मरूप से पहचाना है, यह मैं केवल इस देह में नहीं प्रकट हो रहा है, यह मैं सब में प्रकट हो रहा है। देखो, तो जब मैं को हम एक उपाधि में बांध के रखते हैं तब उसको आत्मा कहते हैं,
और उसी मय को सभी उपाधियों से मुक्त कर देते हैं तो उसको ब्रह्म कहते हैं। देखो दो है क्या? तो आदमी को पत्नी के साथ बांध दिया पति कहेंगे, और पत्नी ने छोड़ दिया तो आदमी हो गया, और जो दुखी हुआ वो है पति जो कहीं नहीं है। देखो संतो, इसीलिए ये जीव ब्रह्म की बात आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए। जहां दुखी हो गए जीव हो गया। देखो तो जब अपने पर हंसना शुरू करो ना तो ब्रह्म है, जब दूसरे पर हंसोगे तो जीव है। देखो कितनी सरल बात है। तो त्वम अर्थस्य अब्रह्मत्व व्यावर्तेत, उसी क्षण हमने जो अपने आप को एक देह के साथ बांध के रखा है और अपने आप को छोटा सा आत्मा समझ के रखा है, वो गलती एकदम हट जाएगी। यही मूल बात है वेदांत में और अन्य शास्त्रों में। वेदांत में हमको मय से मुक्त करते हैं, बाकी जगह में मय को मुक्त करने का प्रयास है। यदि आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे। वैकुंठ में जाके क्या करोगे? वापस आ जाएंगे, और क्या करेंगे। इसीलिए हमको मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं करना। मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये ऐसा करने से क्या होगा? तदर्थस्य च पारोक्षम यद्येवम हिम किम तद शृणु पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्येक बोधः अवतिष्ठते। ठीक है भैया, हमने त्वम अर्थ का जो अपरोक्ष ज्ञान है वो स्वीकार कर लिया आपके कहने से, लेकिन तद माने वह परमात्मा, उसके बारे में परोक्ष ज्ञान काफी है। परमात्मा है, उसके बारे में अपरोक्ष ज्ञान की क्या जरूरत है? देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमने त्वम को माने मैं को अपरोक्षता से अपने साक्षात अनुभूति से पहचान लिया। जो तत्पद है, परमात्मा है, उसको भी जब तक हम आत्म रूप से नहीं पहचानेंगे तब तक के परमात्मा हमसे अन्य रहेगा, और अन्य रहेगा तो अन्य के प्रति काम होगा, क्रोध होगा, डर होगा, और ये सब बना रहेगा। देखो इसीलिए यहां कहते हैं तदर्थस्य पारोक्षम यदि एवं किम, यदि हमने तत् को परोक्षता से स्वीकार कर लिया, क्यों खामुखाम चक्कर में पड़े कि उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए? बोले नहीं, क्योंकि पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्येक बोधः अवतिष्ठते, जो मैं है ये केवल एक देह में सीमित नहीं है, यही एक मैं संपूर्ण विश्व में प्रकट हो रहा है। इसीलिए इस मैं को अहम को परमात्मा कहते। अहम सर्वस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, भगवान कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। मैं एव सकलम जातम, मैं सर्वम प्रतिष्ठितम, मैं सर्वम लयम याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती है यह वाक्य, सब कुछ मैं से ही प्रकट होता है। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल समझ लो, जहां मैं नहीं होता वहां हमको इंटरेस्ट नहीं होता। अब इसका एक जगत में उदाहरण देखो, दो माताएं हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं। अब एक माँ अपने बच्चे की बेवकूफी को, ये इंटेलिजेंट है इस प्रकार से जब बताती है तो ये बताने वाली माँ इतने उत्साह से बताती है, और ये बात उसने हजार लोगों को हजारों बार बताई है, फिर भी उसमें उसको बोरिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं है, मेरा बेटा है। ये बात जब हो रही है तो दूसरी जो माँ होगी वो सुनेगी क्या? उसके गर्दन काट देगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का तो तुम्हारे लड़के से भी बेवकूफ है। क्योंकि जहां मैं नहीं होता वहां हमको इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये सिद्धांत लगा लो, हम बुढ़ाओ लोग अपने बचपन की बात करते हैं, अब बचपन में हम थे तो हमको इसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन जवान बच्चे जो है उनको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें वो नहीं थे। देखो ये सास बहू के झगड़े ऐसे ही होते,
जब मैं शादी करके आई थी हमारे घर में, तो हम तो बिल्कुल सर भी ऊपर नहीं उठाते थे, शीर्षासन करके ही चलते थे। आज घर की लड़कियां देखो सर उठा के चलती है। अब वो जो बहू है उसने, अच्छा तुम शीर्षासन करती। जहां मैं नहीं वहां जगत नहीं, जहां मैं है वही जगत है। तो इस संपूर्ण जगत का आधार क्या हो गया? मैं। अब सवाल ये है, संपूर्ण जगत का आधार यदि मैं है तो ये मैं कौन है? इसका भी तो अनुसंधान करना है ना। इसीलिए जब हम पूछते, पता नहीं महाराज जी आजकल बड़ा डर लग रहा है, मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा? अरे बाबा, जब मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं। सब समस्या इसी मैं में बैठी हुई है। देखो, इसीलिए जब तत्वमसी महावाक्य का उपदेश होता है, तो जो हमने अपने आप को छोटा मय बना के रखा है ना, इस छोटे मय का दायरा तोड़ करके उसको अनंत मय में मिला देना, यही है ब्रह्मात्मक के बोध। और जब तक के ये ब्रह्मात्मक के बोध की दृढ़ता नहीं होगी, तब तक के हम परेशान ही परेशान रहेंगे। इसीलिए पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्येक बोधः अवतिष्ठते। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि ये सबका सब हम जो चिंतन कर रहे हैं, ये अपरोक्षानुभूति के लिए कर रहे हैं। और ये छोड़कर के आप उल्टी बात करते हो, भगवान के बारे में अपरोक्षता की क्या जरूरत है? तो कहते हैं, एवं सति महावाक्यात् परोक्ष महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईयते, यही ही तेषाम शास्त्र सिद्धांत वेदांत विज्ञानम शोभते तराम। बड़े सरकास्टिकली कहते हैं, सभी शास्त्रों का तात्पर्य ब्रह्मात्मय के बोध अपरोक्षानुभूति से होवे, ये है। इसको छोड़ करके जो इस शास्त्रों का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि परमात्मा का ज्ञान परोक्ष काफी है, अपरोक्ष की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने क्या खाक समझा? देखो, शोभते तराम, इनकी इनकी बुद्धि की तो क्या प्रशंसा करें, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत को ही काट रहे हैं, तो शास्त्र का सिद्धांत केवल इसीलिए है अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से पहचानना मात्र, बाकी कुछ नहीं। यदि वो नहीं हुआ तो आप जो भी करो सब नर्मदा जी में बहा दोगे, कुछ नहीं होगा उससे। इसीलिए महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईयते, यही ही जिनके द्वारा महावाक्य का तात्पर्य परोक्ष ज्ञान मात्र है, तो उनकी बुद्धि की क्या तारीफ करें, माने वो बेवकूफ है। ऐसा जब कहा तो अब वो प्रतिपक्षी कहता है, आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धांता युक्त्या वाक्यात् परोक्षदीहि स्वर्गादि वाक्यव नैव दशमे व्यभिचारतः। अच्छा भैया, हम शास्त्र नहीं जानते लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस की बात जानते हैं। क्या है? आस्ताम शास्त्रात् शास्त्रस्य सिद्धांता, शास्त्र की बात रखो, युक्त्या लॉजिकली शास्त्रात् वाक्यात् परोक्षदीहि, महावाक्य से केवल परोक्ष ज्ञान ही हो सकता है, जैसे स्वर्ग इत्यादि। स्वर्ग के बारे में बताते ना, देखा तो नहीं किसी ने, माना ही माना है, परोक्ष ज्ञान है। इसी प्रकार से तत्वमसी महावाक्य से भी केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है, आत्मानुभूति नहीं होती। ऐसा जब कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, एवं इस प्रकार से नहीं, दशमे व्यभिचारतः, क्योंकि दसवां आदमी है मरा नहीं, अस्ति परोक्ष ज्ञान, और वो दसवां आदमी आप हो, ये अपरोक्ष ज्ञान। देखो यहां कहां व्यभिचार हुआ है, ये तो जैसा का तैसा ही है। इसीलिए केवल दसवां आदमी मरा नहीं है इतने मात्र से शोक निवृत्ति नहीं होगी, इतने मात्र से निरंकुशा तृप्ति भी नहीं होगी। निरंकुशा तृप्ति और शोक निवृत्ति तब होगी कि जो दसवां आदमी मर गया था वो मरा नहीं, बल्कि वो आदमी मैं स्वयं हूं।
जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे वो परमात्मा कहीं और नहीं है, वो स्वयं अपना स्वरूप है। देखो इसीलिए शास्त्रों का सिद्धांत केवल परोक्ष ज्ञान तक मात्र नहीं है। तो स्वर्गादि वाक्यवन्न एवं दशमे व्यभिचारतः स्वतः अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम् अभिवांछतः नशे सिद्धात् परोक्षत्वम् इति युक्तिर् महति अहो। यार तुम्हारी बात क्या, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। चलो कैसे हम ये साधना किस लिए कर रहे हैं दुनिया भर की, ब्रह्मत्वम् अभिवांछतः अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानने के लिए हम ये सब साधना कर रहे हैं। अब ये अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे तो जीव भाव नष्ट हो जाएगा, हो गया ना जीव भाव नष्ट। माने यदि किसी पति ने अपने को आदमी पहचान लिया तो वो दुखी होना बंद हो जाएगा, ठीक है, नुकसान है लेकिन आदत है ना, अब दुखी नहीं होंगे तो करेंगे क्या। देखो व्यक्ति को दुखी होने की भी आदत लग जाती है, उनको सुख मिले तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कि स्वतः अपरोक्ष जीवस्य, हमने अपने आप को साक्षात अपरोक्ष जीव माना है कि मैं तो बाबा जीव हूं, और इसीलिए ब्रह्मत्व अभिवांछतः। लेकिन अब हमको अपने ब्रह्म स्वरूप की ज्ञान की इच्छा है, बहुत बढ़िया। फिर नशे, यदि आप ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे तो आपका जीव भाव एकदम पंचर हो गया, ये तो ऐसा ही डर है कि जब पानी का बूंद समुद्र में गिर रहा था तो उसको डर लग रहा था अब मैं मर जाऊंगा। अब पानी का बूंद मर जाएगा क्या, वो तो समुद्रमय हो जाएगा, अलग थोड़ी रहेगा। इसीलिए जो मृत्यु का डर आता है ना हमारे जीवन में, इसको हटा दो। किसी भी प्रकार से चिंतन करो तो मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है, तब जाकर के ब्रह्मात्मे के बोध होगा। नहीं तो हमेशा वही पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, हमको पता है क्या, जला देंगे आप। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं, फिर आपके स्कूल को छुट्टी मिलेगी एक दिन, लेकिन संडे को मत मरना, एक छुट्टी खराब। ऐसे डर डर के अध्यात्म का जीवन नहीं चलता महाराज। तो नशे सिद्ध परोक्षत्वम इति युक्तिर महति अहो। तो तुम्हारा ये जो ज्ञान लॉजिक है बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि तुमको अपने जीव भाव के नाश होने का डर लग रहा है और उधर में ब्रह्म ज्ञान भी चाहते हो। दोनों संभव नहीं है, या तो बेवकूफ रहो या तो ज्ञानी रहो, दोनों में संभव नहीं है। फिर ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जड़वल लोकम आचरे, ज्ञानी लोग जगत में बेवकूफ के जैसे रहते हैं। कारण क्या है, बेवकूफ में समझदार होके कभी नहीं रहना चाहिए, इट इज अ फॉली टू बी वाइज अमंग द फूल्स। जानन अभी मेधावी जड़वल लोकम आचरे, तो जानते हुए भी ज्ञानी लोग साधारण जैसे ही रहते हैं। अच्छा आगे कहते हैं, वृद्धि मिष्टवतो मूलम अपि नष्टम इति दृशम लौकिकम वचनम सार्थम संपन्नम तत् प्रसादता। तुमने ये जो अपना डर लिखाया है ना कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जीव भाव नष्ट हो जाता है, तो क्या आवश्यकता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान की, ये तो नुकसान है। तो तुम्हारा कहना ऐसा ही है, किसी ने अपना मूल मुद्दा लगाया है और उसके ऊपर ब्याज लेने के लिए, ब्याज तो मिला नहीं वो भी खा गया आदमी अगला। इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लेना, जीव ब्रह्म दो इसलिए कहे जाते हैं कि ब्रह्म जीव के माध्यम से प्रकट होने से उस प्राकट्य को ही हमने जीव माना है। देखो बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है प्रकाश के रूप में, लेकिन बिजली में प्रकाश नहीं है। यह जो प्रकाश आता है ट्यूबलाइटों में, ये बिजली की अभिव्यक्ति है। देखो सत्संग करने के लिए आए, क्यों हटा रहे उसको। तो अब यह जो परमात्मा की उपलब्धि है,
इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हम कुछ खो देंगे तब मिलेगा। जैसे हम गहरी नींद में जब जाते हैं तो देहात्म भाव खो देते हैं, उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, बेवकूफ नहीं, हम केवल होते हैं, वही सत्य है। और इसीलिए जब अपने स्वरूप में गहरी नींद में वापस लौट जाते हैं और उठने के बाद कितने फ्रेश होते हैं, बैटरी रिचार्ज। इसीलिए नहीं 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 मैं सोऊंगा चार घंटे के लिए तो मैं नहीं रहूंगा इसीलिए नहीं सोऊंगा, ये बात होती है। एक जगह में हुई थी, हरियाणा में हम किसी के यहां थे और उनकी एक बहुत ही बूढ़ा दादी माँ कोई तो भी थी या पड़दादी माँ, तो एकदम छोटी सी खटिया पे लेटी रहती थी और उसका जो ग्रैंड ग्रैंडसन होगा वो रोज स्कूल में जाने के पहले दादी माँ को उठाता था, उठो ना अब सुबह हो गई, और उसको खींचता था तो वो ऐसी सो रही तो ऐसी हो जाती, रोज का धंधा। दूसरे या तीसरे दिन जब हम वहां थे तो ऐसा किया तो उस इधर मुंह किया और उसके मुख से दांत गिर गए, तो उसने कहा दादी माँ दांत क्यों गिरा है, पकड़ लो ठीक से, और वो मरी हुई थी। अब उसने बताया अपने मम्मी के, मम्मी देखो दादी माँ ने दांत गिरा दिए, तो उसने आके देखा वो मर गई है। अब उसको बताया नहीं ऐसा नहीं, अब वो अम्मा चली गई है बस खत्म, और उसको जरा भी ला दिया, सब कुछ कर लिया। अब उस बच्चे के मन में ये डर बैठ गया, सोने के कारण आदमी मरता है, अब उसने सोना बंद कर दिया, सोऊंगा नहीं बिल्कुल, रात भर सही भी नहीं सोएगा, मत सो जाओ, देखो दादी मम्मा भी तुम भी मर जाओ, सोना बंद। अब देखो ये बेवकूफी की है। फिर मैंने उसको कहा देखो एक्सपेरिमेंट कर दे, मैं खाना खाता हूं और तू मेरे साथ बैठ और मैं सो जाता हूं, देखो मैं मरता हूं कि नहीं मरता। और मैं सो गया और वो देख रहा था, बीच में जाके आ गया, स्वामी जी मरे नहीं अभी तक, फिर पता नहीं अभी भी जिंदा है, मरे नहीं अभी, उनका पेट हिल रहा है। जब मैं उठ गया, आप मरे नहीं, दादी माँ तो मर गई थी। तो हमने कहा देखो सोने से हर एक आदमी नहीं मरता, कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से जीव भाव नष्ट हो गया ब्रह्म भाव में लीन होने से तो ये नुकसान है, ये नुकसान थोड़ी है। इसीलिए अंतकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षताम अहम इति उपाधि सद्भावान नतु ब्रह्म अनुपाधिता। अब यहां एक टेक्निकल प्रश्न उठाते हैं, जीव जो है अपने आप को पहचानता है अपरोक्षताम अरहति क्योंकि अंतकरण सन्निभ बोधा, क्योंकि उसको अंतकरण है जिसमें वो मैं हूं ये जानता है। अच्छा अब ब्रह्म क्या है, ब्रह्म में उपाधि अनुपाधिता, ब्रह्म में अंतकरण की उपाधि नहीं है, तो ये मैं जीव हूं ये तो बात समझ में आ जाती है, ये समझ में आ गई, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये बात कैसी समझ में आएगी, ना तो जीव को समझ में आएगी ना तो ब्रह्म को समझ में आएगी, क्योंकि जीव तो ब्रह्म को पकड़ ही नहीं सकता और ब्रह्म को उपाधि नहीं अंतकरण नहीं है तो वो भी अपने को नहीं पहचान सकता। लॉजिक। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म अनुपाधिता, ब्रह्म की उपाधि नहीं होने के कारण इस ब्रह्म का ज्ञान कैसे संभव है, उसका अनुभव कैसे संभव है। तो कहते महाराज तुम्हारी विचार की पद्धति बड़ी विचित्र है, ऐसा विचार नहीं करते। नैवं ब्रह्मत्व बोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेह कैवल्यम उपाधेः निवारणात्। देखो इस प्रकार से तुम विचार मत करना, ब्रह्मत्व बोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेह कैवल्यम उपादेह। कहते क्या है कि जब तक हम देहात्म भाव में फंसे हैं तभी तक जीव भाव है। अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना माने अपने विदेह कैवल्य का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति जब हो गई तब ब्रह्म है ही, कुछ करना नहीं है। माने उपाधि का निराकरण करने से जो बचा रहता है वो परमात्मा है,
अभी हमारी स्थिति क्या है, हम उपाधि के द्वारा प्रभावित हो गए हैं और उस उपाधि को ही सत्य मान रहे हैं। देखो जितने भी आदमी दुखी होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, आप देखेंगे औपाधिक व्यक्तिमत्व ही दुखी होता है। थोड़ा चिंतन करके देखो, जैसे हम दुखी है तो कौन दुखी है, पति पत्नी भाई बहन सास बहू, यही तो दुखी होते हैं ना। तो ये कौन है, आदमी की किसी रिलेशन के कारण एक उपाधि में से अभिव्यक्ति। देखो और यही बात है, तो इस सभी उपाधियों का जब निराकरण हो जाएगा तब हम अपने स्वरूप में लौट आते हैं। अब मैं पति हूं इसीलिए दुखी हूं, और मेरे पत्नी को मैंने अलग कर दिया अब मैं सुखी हूं, तो मैं पति नहीं हूं ये होने के बाद मैं आदमी हूं ये कहने की आवश्यकता है क्या? मैं तो हुई, क्योंकि यदि आदमी नहीं होता तो पति कैसे होता। इसी प्रकार से ये जीव की जो उपाधि है पंचकोशों की इत्यादि, जब ये उपाधि का हम तिरस्कार कर देंगे तो अहम ब्रह्मास्मि के लिए अन्य किसी उपकरण की उपाधि की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यावत विदेह कैवल्यम उपाधेः निवारणात्, तो यह जो उपाधि है इसको जब हम निकाल देंगे तो उपाधि यही है केवल देहात्म भाव जीवात्म भाव, और ये उपाधि का निराकरण केवल विचार से हो सकता है। अविचार कृतो बंधहा विचारेण निवार्यते, दूसरा कोई उपयोग नहीं इसका, ना तो शरीर को मारने की जरूरत है, ना तो कुछ ड्रिंक लेकर के अपने मन को बंद करने की जरूरत है। केवल इतना समझना मात्र है कि हम इस दुनिया में वैसे ही है जैसे एक स्टेज पर एक एक्टर होता है। किसी भी ड्रामा में दो पार्टियां होती है, एक पार्टी स्टेज पर होती है जो एक्टिंग करती है, दूसरी पार्टी ऑडियंस में होती है जो रिएक्टिंग करती है। जो एक्टिंग करता है उसको पैसा मिलता है, उसको नाम मिलता है, उसको पब्लिसिटी मिलती है। जो रिएक्ट करते हैं वो दुखी होते हैं, पैसे पे करके दुखी होते हैं। तो इस दुनिया में नाटक करो लेकिन नाटक देखो मत। ये कैसे संभव है स्वामी जी, अब क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। सभी शांभवी मुद्रा भी बैठे हैं। मुझे एक बार एक ज्ञान हो गया, मैं हमेशा कहता था कि मेरे लेक्चर बने ब्लफ सेशंस होते हैं। एक दिन मुझे ज्ञान हो गया, मैं इनको ब्लफ मार रहा हूं कि ये मुझे ब्लफ मार रहे हैं कि हम सुन रहे तो ये हमारा ऐसा नाटक है कि इसमें दोनों ही एक्टिंग कर रहे हैं, बोलने वाला भी एक्टिंग कर रहा है, सुनने वाला तो डेफिनेटली कर रहा है। और इसीलिए सत्संग में आदमी फ्रेश रहता है, कोई टेंशन नहीं, एक्टिंग ही कर रही। तो यह जो उपाधियां है इन उपाधियों का तिरस्कार यही आध्यात्मिक साधना है। देखो महाराज, जीव की तो उपाधि है पंचकोश इत्यादि, ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं है। तो कहते हैं अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशेषते उपाधि जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। देखो ब्रह्म की भी उपाधि है, कौन सी उपाधि है, उपाधि नहीं है ये उपाधि है। देखो हमको किसी ने पूछा था दो चार दिन पहले, स्वामी जी आप दूध की कोई चीज लेते नहीं, आपके कोई नियम है क्या? ना मेरे एक नहीं कई नियम है। कौन सी नियम है? एक भी नियम नहीं। देखो आदमी इतने नियम से अपने आप को बांध के रखता है, परेशान होता है। नियम से मत बांधो, अपने पर नियंत्रण रखना है।
नियम से बांधोगे कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, हर बार मिठाई आएगी सामने, देख करके गुस्सा करोगे, क्यों लाते हो मिठाई, मालूम है मैं नहीं खाता। बिल्कुल रिलैक्स होकर के रहो जीवन में, ऐसा नियम बांध लेते, ऐसा नियम बांध लेते कि हम नियमों के लिए कि नियम हमारे लिए, सिद्धांत ये है नियम तोड़ने के लिए होते। देखो आप पूरे देश में देखो, जहां लिखा होता है ना नो पार्किंग, इट इज द राइट प्लेस फॉर पार्किंग, जहां लिखा होता है नो यू टर्न, दैट इज द ऑप्टिमम प्लेस फॉर टेकिंग यू टर्न, जहां लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, परफेक्ट जगह है। देखो तो जिस प्रकार से जीव की उपाधि होना है उसी प्रकार से ब्रह्म की उपाधि नहीं है, यही उपाधि है। तो अंतकरण साहित्य राहित्य, अंतकरण युक्त जीव है, अंतकरण रहित परमात्मा है, ब्रह्म है, इसीलिए दोनों की उपाधियां ही है। अब इसको ऐसा समझो, पैसा, पैसा होना ये उपाधि लग गई तो हम अमीर बन गए, पैसा नहीं है ये उपाधि लग गई तो गरीब हो गए, उपाधि तो पैसे की है ना। इसी प्रकार से अंतकरण होना जीव, अंतकरण के परे चले जाना ब्रह्म। इसीलिए ये मत कहना कि ब्रह्म को कोई उपाधि नहीं होती। कहते उदाहरण देते, यथा विधि उपाधि स्यात् प्रतिषेधस तथा न किम सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वं किम विद्यते। यथा विधि उपाधि स्यात्, कुछ होना यदि उपाधि है तो कुछ नहीं होना ये भी उपाधि है। पैसा है ये यदि उपाधि है, नहीं होना ये भी उपाधि है। बच्चे है यदि ये उपाधि है, बच्चे नहीं है ये भी उपाधि है। देखो लोग केवल बच्चे होने के कारण दुखी नहीं होते, बच्चे नहीं होते तब भी दुखी होते। इसीलिए दो प्रकार के रोग बताते हैं दुनिया में, एक होने का रोग, दूसरा नहीं होने का रोग। जिसको बच्चे नहीं होते वो रोते है, जिनको बच्चे होते वो तो रोते ही। देखो महाराज, इसीलिए यह जो दो है, विधि ही उपाधि स्यात्, होना यदि उपाधि है तो प्रतिषेध, नहीं होना ये भी उपाधि क्यों नहीं हो सकती। जैसे सुवर्ण लोह भेदेन, यदि लोहा हो तो उसकी चेन है, क्या सोने की चेन नहीं होती, और दोनों चेने से बांधा ही जाता है आदमी, ऐसे थोड़ी है ठीक है मुझे जेल में डालना है तो सोने की चेन से बांधना, मैं अमीर हूं। देखो बांधना तो कॉमन है दोनों के लिए। इस प्रकार से अब वेदांत की प्रक्रिया बताते हैं, ये दो प्रकार से, अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधिमुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति स्याद् द्विधा इति आचार्य भाषितम्। वेदांत की प्रवृत्ति, वेदांत में ज्ञान के आदान प्रदान का प्रकार दो प्रकार से बताया गया है। एक कहते हैं अतद व्यावृत्ति रूपेण और साक्षात विधि मुखेन च, दो प्रकार से, परमात्मा क्या नहीं है इसको कहेंगे नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और दूसरा परमात्मा क्या है इति इति इति, इस दो प्रकार से परमात्मा का प्रतिपादन वेदांत शास्त्र में किया जाता है। तो जैसे पंचकोशों का तिरस्कार कर दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और सब कुछ निकल गए, उसके पश्चात फिर क्या बचा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म योद वेद निहितम गुहायाम। तो पहले ब्रह्म का विधि रूपेण ब्रह्म क्या है ये बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर इस ब्रह्म को ढूंढने के लिए फिर भृगु को क्या बताई साधना, कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, मन, इस प्रकार से एक एक कोश का निराकरण करते करते जिस ब्रह्म का प्रतिपादन पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में किया था, वहां उपाधियों का त्याग करने से व्यक्ति पहुंच जाता है। इस प्रकार से दो बातें होती है, जो नहीं है अतद, तद माने वो, अतद माने वो नहीं, तो जो नहीं है उसका त्याग करना और जो है उसका असर्जन करना। इसी इस प्रकार से आचार्यों ने वेदांत के
टीचरों ने बताया है। अच्छा, अब एक और डाउट निकालते हैं। अहम अर्थ परित्यागात अहम ब्रह्मेति धी कुतः। यदि आप कहते हैं इस मैं को हटा दो, मैं जीव हूं इसको हटा दो, ठीक है हटा दिया, तो जीव के साथ मैं भी चला गया, अब ये ब्रह्म है कौन जानेगा, परेशानी है। अहम ब्रह्मेति नहीं, अहम अर्थ परित्यागात, यदि अहम का त्याग कर दिया तो ब्रह्मेति धी कुतः, तो ब्रह्म इति ये किसको समझ में आएगा, क्योंकि है मैं तो है नहीं। कहते न एवं अंशस्य त्यागः भागलक्षणयः उदितः। हमने पहले ही बताया है महाराज, पूरे अहम का त्याग नहीं करना है, केवल अंश का करना है। अब एक आपको हम छोटी सी टेक्निक बताते हैं, ट्राई करना। ये कुंडलिनी वाले जो है ना, जब हम अनाहत चक्र में आ जाते हैं, तब अनाहत चक्र में हम अपने मन पर कार्य करना शुरू करते हैं। नीचे के तीन चक्रों में रहना माने देहात्मा भाव, इच्छा की पूर्ति, लोभ का प्रभाव, ये तीन बातें नीचे के चक्रों में है। मूलाधार देहात्म भाव, स्वाधिष्ठान इच्छा का प्राबल्य, और मणिपुर लोभ का ही समुन्दर, ये नीचे का तीन। वहां से हटे फिर अनाहत में आए। अब अनाहत में आने के पश्चात फिर अब हम अपने मन पर कार्य करना शुरू करते हैं। नीचे की तीनों में हम मन से कार्य करते हैं। अब मन पर कार्य करना माने क्या, समझदारी से। मन की दो वृत्तियां है राधर, मन के वृत्तियों के दो भाग है, दो वृत्तियां नहीं, एक ही वृत्ति के दो भाग है। देखो, और दो भाग क्या है, एक है अहम और दूसरा है इदम। जैसे यह पुस्तक है तो यह पुस्तक जो है ये इदम है, और इसको मैं जानता हूं ये अहम है। तो एक ही वृत्ति में दो भाग हो गए, एक अहम अंश और एक इदम अंश। ये जो अहम अंश है वृत्ति का, यह एक है, और इदम अंश अनेक होते हैं। अब अगली बात, ये जो अहम वृत्ति है इसकी खुराक है इदम वृत्तियां। जितनी ज्यादा इदम वृत्ति होगी उतना अहम मोटा होगा, और ये इदम वृत्तियों का बढ़ने का कारण अहम वृत्ति ने उसको महात्म्य दिया है। यदि अहम वृत्ति ने इदम जगत को महात्म्य दिया है, तो यदि ये अहम वृत्ति स्वयं होकर के इसके महात्म्य को नष्ट कर देती है, तो अपने आप इदम वृत्तियां कम होने लगेगी। जब इदम वृत्तियां कम होने लगेगी तो अहम वृत्ति भी मोटी थी, अब वो पतली होने लगेगी। ध्यान से सुनना, और जब इदम वृत्ति जीरो हो जाती है तो अहम वृत्ति में से वृत्ति निकल जाती है और वृत्ति रहित अहम बचा रहता है, वो है ब्रह्म। इसीलिए अनाहत चक्र में ये वृत्तियों का खेल खत्म होने के पश्चात जब वृत्ति रहित अहम है, उसी को कहते विशुद्ध चक्र। अब हम शुद्धि में पहुंच गए, अब वहां वृत्ति के कपड़े अहम ने नहीं पहने, लेकिन वहां जाने के पश्चात फिर वही चक्कर रहता है कि मैं तो आत्मा हूं, बाकी पब्लिक का क्या है। तो जब इस मैं का अनुसंधान होता है तब पता चलता है ये मैं जो है ये एक देह में एक अलग अलग नहीं है, ये एक ही मैं सभी देह में प्रकट हो रहा है। तब उसको कहते हम आज्ञा चक्र में पहुंच गए, यहां हम ब्रह्मास्मि का अनुभव या ज्ञान होता है। इस प्रकार से तो अहम अर्थ परित्यागान अहम ब्रह्मेति धी कुतः न एवं, इस प्रकार से विचार मत करना। अहम वृत्ति में से वृत्ति को हटा दो तो जो वृत्ति रहित अहम है वो हम है, अन्यथा वृत्ति के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे तो वही जीव का अहम बना रहेगा। भाग लक्षण यहां उदिता,
हमने पहले ही बताया जैसे सोयम देवदत्ता के एग्जाम्पल में कि जो कृष्ण बचपन में मक्खन चुराता था उसी ने युद्ध के मैदान में भगवद गीता बताई, तो मक्खन चुराना और वृंदावन और उसके पश्चात उसकी उम्र उसका स्थान उसके कारना में उसको त्याग दो और युद्ध का मैदान अर्जुन भगवद गीता का उपदेश उसको त्याग दो तो जो बचता है वो एक ही कृष्ण था। इस प्रकार से भागत त्यागात, संपूर्ण त्याग नहीं। अच्छा अब आगे कहते हैं अंतकरण संत्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणि ईक्षते। तो जब हमने अंतकरण त्यागात, जब अंतकरण का त्याग कर दिया माने जब अहम् वृत्ति में से वृत्ति निकल गई, अंतकरण त्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि, फिर क्या बचा है? वृत्ति रहित अहम्। देखो मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बेवकूफ हूं, ये वृत्तियां है क्योंकि ये सभी के सभी उपाधि के संदर्भ से कहा गया है। मैं बूढ़ा हूं देह की उपाधि, मैं इंटेलिजेंट हूं बुद्धि की उपाधि, मैं बेवकूफ हूं सुपर बुद्धि की उपाधि, लेकिन मैं हूं ये उपाधि नहीं है। इसीलिए कहते हैं हां जब अंतकरण त्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि। और इसीलिए योग शास्त्र में जो बताते हैं ना कि योग हा चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त वृत्तियों का निरोध करने के स्थान पर चित्त वृत्ति का जो आधार है उसको पहचान। आभूषणों में सुवर्ण है ये देखने के लिए आभूषणों को गलाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जहां नाम रूप है वहां आभूषण है, इसीलिए मुझे तो केवल सुवर्ण चाहिए, तो पहले सबको गला दो, कोई जरूरत नहीं, केवल नाम रूप के परे चले जाना। इसलिए अंतकरण संत्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणी ईक्षते। तो ये जो अहम् ब्रह्मास्मि यह जो अनुभूति है, यह अनुभूति हमारे जागतिक अनुभूति के जैसे नहीं है। अब देखो आप अपने ही अनुभूति का विश्लेषण करो। वहां कहते हैं हम जब रूप रंग को देखते हैं तो आंखें मन का व्यापार आवश्यक है, और जब हम है केवल अपने होने का भान मात्र, तो अपने होने का जो भान है वो अंतकरण से है कि इंद्रियों से है कि बुद्धि से है? यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है ये अपना स्वरूप है, इसके लिए वृत्तियों को दबाने की कोई जरूरत नहीं, केवल वृत्तियों को नष्ट करना यही अपेक्षित है तो परेशान क्यों होते? ड्रग ले लो, ड्रंक ले लो, सो जा, वृत्तियां गायब। देखो हमको वृत्तियों से डरना नहीं, वृत्तियों का जो आधार है, नहीं तो डर डर के जीवन चलेगा, वैसी साधना नहीं होती। एक शिरडी साई बाबा के कथा में आता है, एक बार उनको मिलने के लिए एक मुसलमान औरत और उसकी लड़की आई, और उनके जो एक भगत थे बुढ़ाओ थे, तो वो उनको पंखे से जला रहे थे। तो जब वो लड़की आई बहुत ही सुंदर थी, तो ये बुढ़ाओ का ध्यान उधर जाए, कैसी है, मैं कैसे लड़की की तरफ देख सकता, मन तो नहीं मानेगा, छुप छुप के देख रहा है, और मात बाने पकड़ लिए और हंसने लग गए। और जब वो चले गए लड़की और उसकी माँ, कहते इतने डरने की क्या जरूरत है, आंखों का धर्म है देखना, तुम ऐसे अपने आप को दबा दबा करके उसके प्रति और आकर्षण निर्माण कर रहे हो। देखो
इसीलिए अपने आप को मारो मत, समझदारी से काम लो। और जैसी जैसी समझदारी बढ़ेगी आप देखेंगे आप एकदम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम जीवन में सहजता प्रकट हो जाती है। तो अहम ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणी ईक्षते। तो जहां हमने इस उपाधियों का अंतकरण का त्याग कर दिया तो जो शुद्ध चेतन सत्ता रहती है उसी को ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से तत्वमसी महावाक्य के द्वारा वाक्येन माने तत्वमसी महावाक्य के द्वारा हमको अपने ब्रह्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान कराया जाता है, परोक्ष ज्ञान नहीं। तो स्वप्रकाशोपि साक्षेव धीवृत्या व्याप्यते न्यवद फल व्याप्यत्वमेवास्त शास्त्रकृत भी निवारित। अब ये जरा शास्त्रीय टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु का ज्ञान जब होता है तो ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? देखो समझो, ये हमारे सामने माइक है, तो ये माइक का ज्ञान कैसा होता है? हमारी आंखों से हमारा मन निकला, दृष्टि बन गया, भले उसको दृष्टि कहे लेकिन है मन ही। और ये जो मन है उस मन ने उस वस्तु के आकार को धारण कर दिया। तो पहले जो वस्तु मन में नहीं थी उस वस्तु को मन ने आकार के द्वारा धारण किया, उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। मन ने उस वस्तु का आकार धारण कर लिया, ये हो गई वृत्ति व्याप्ति। तो दिस इज अ माइक, ये वृत्ति व्याप्ति है। और आगे ये वृत्ति व्याप्ति है कौन जानता है? फल व्याप्ति होना आवश्यक है। फल व्याप्ति माने मैं जानता हूं कि यह माइक है। तो ये मन का जो व्यापार है इसमें तीन स्टेजेस है। मन किसी विषय को ग्रहण नहीं करता तो ये निर्विषय मन है। अब इस मन ने किसी विषय को ग्रहण कर लिया तो ये वृत्ति व्याप्ति हो गई उस विषय को लेकर के। फिर इस विषय को मैं जानता हूं तो उस विषय को जानने वाला जो मैं पैदा हो गया उसको फल व्याप्ति कहते हैं, और वो है अहम वृत्ति। अब ये बातें समझ में आ गई तो यहां कहते हैं सब प्रकाशे अपि साक्षी एव धीवृत्या व्याप्यते अन्यवत। अब यह जो अहम वृत्ति है, पहले ये अहम वृत्ति ध्यान से सुनना, समझो ये अहम वृत्ति है। ये अहम वृत्ति जब दुनिया के तरफ रहती है तब इसमें दुनिया का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब जब ये अहम वृत्ति दुनिया से हट करके अंतर्मुखी हो गई तब इसमें दुनिया का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, फिर किसका प्रतिबिंब पड़ेगा? परमात्मा का। अब नेक्स्ट स्टेप माने ये बुद्धि जो है, धी वृत्ति जो है, ये वृत्ति व्याप्ति तो कर सकती है क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब यहां फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। इसको एक उदाहरण से समझ लो। एक दर्पण ले लो आप, और दर्पण के सामने 5 फुट के अंतर पर एक मोमबत्ती रखो जलती हुई, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा। अब उस मोमबत्ती को धीरे 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 दर्पण के पास ले आओ, इतना पास ले आओ कि वो मानो दर्पण को चिपक गई हो, इतना नजदीक। तो उसके अग्नि के प्रकाश तेज के कारण, गर्मी के कारण, उस दर्पण के पीछे जो रेड ऑक्साइड लगा है वो धीरे धीरे पिघल करके निकल जाएगा। वो जब निकल गया तो सवाल ये है वो प्रतिबिंब कहाँ गया? प्रतिबिंब गायब हो जाएगा लेकिन जो ओरिजिनल फ्लेम है वो तो रहेगी ना। इसी प्रकार से यह बुद्धि जो है, बुद्धि व्याप्ति जब परमात्मा को विषय बनाती है तो परमात्मा को विषय बनाते ही यह बुद्धि वृत्ति गायब हो जाती है, परमात्मा मात्र बचा रहता है। इसीलिए ज्ञान का अभिमान नहीं होता, क्योंकि अभिमान करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है।
तुलसीदास जी इसीलिए कहते ना, ज्ञान मान जहू एक हो ना। ज्ञान में मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। यह ज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान में ज्ञानी नहीं होता। देखो संतो, इसीलिए यहां कहते हैं सब प्रकाशे भी साक्षे व धीवृत्या व्याप्यते अन्यवत फल व्याप्यत्व में अस्य शास्त्र कृत भी निवारितम। लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने वाला, मैं अपने आप को जानता हूं, ऐसे मैं जानने वाला और मैं जाना गया, ये दो नहीं है, एक ही बच जाता है। इसीलिए इसमें फल व्याप्ति नहीं है। फल व्याप्ति नहीं है माने उसमें मैं पैदा नहीं होता। अब देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। हमने कल आपको बताया था, अंधकार में कमरे में बैठे कुछ नहीं दिख रहा है, आंखें खोल दो, आंखों का धर्म है देखना। अंधकार होने से कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो देखा जा रहा है लेकिन ना तो देखने वाला पैदा हुआ, क्योंकि देखने वाली कोई चीज नहीं है। तो वह देखना जिसमें देखा गया और देखने वाला, ये द्वैत पैदा नहीं होता, वो अपना स्वरूप है महाराज। देखो इसीलिए जब अभाव को विषय बनाते हैं, अभाव में जो है वो हम है। इसीलिए संध्या का समय बहुत महत्व का मानते अपने यहां, प्रातः संध्या, माध्यान्ह संध्या, सायं संध्या, जंक्शन है। एक वृत्ति उठी और शांत हो गई, लेकिन दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं, तो दो वृत्तियों के बीच की जो संधि है उसको साधना है। जैसे ओम ओम ओम, हमारा ध्यान जाता है शब्द पर, शब्द पर मत ले जाना, दो शब्दों के बीच में जो अभाव है वहां फोकस करना। ओम ओम, जब शब्द का तिरस्कार हो करके शांति में रहना शुरू करेंगे तो फिर फंस गए। कैसे फंस गए? शांत रहो, शांत रहो, शब्द से डरने लग जाते हैं। डरो मत, जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है और जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, वो शब्द के भावाभाव के परे है, वो अपना स्वरूप। देखो संतो, नहीं तो इतना फंस जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे स्मशान में आए। ज्यादा महत्व मत देना इन चीजों को, हंसते खेलते रहो, नहीं तो इतना, कितने जगह जाते हैं ऐसा लगता है कि सबको सब कल शूली चढ़ने वाली है। और हम आध्यात्मिक साधना, इट इज नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिमेन केयरफुल, रिलैक्स। कारण क्या है? आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ कहते हैं योगक्षेमम वाम्यम और परेशान भगवान की प्राप्ति कब होगी। और उसने कहा है ना योगक्षेमम वाम्यम, एक पॉलिसी ले लो। देखो एक पॉलिसी काफी है, ज्यादा नहीं। नारायणा, बुद्धि तस्त चिदा भासो द्वौ अपि व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञान धिया नशेत आभासेने घटस्फुरेत। अब देखो आगे बताते हैं, जो विषय का ज्ञान होता है, यहां घट कहा है, कोई भी विषय ले लो, उस घट का ज्ञान कैसा होता है? बुद्धि तस्त चिदा भासव विद्वौ अपि व्याप्नुतः घटम। बुद्धि
और उसमें जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा है चिदाभास, इन दोनों के द्वारा उस वस्तु को व्याप्त किया जाता है। तो जो वृत्ति के द्वारा उसको व्याप्त किया गया है उसके द्वारा उस वस्तु का अज्ञान मिट जाता है, क्योंकि अब वृत्ति ने उस वस्तु का आकार धारण कर लिया, अज्ञान मिट गया, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। देखो तो ज्ञान कैसे होता है, और भासे न आभासे न घटास पुरेत, और फिर जो उसमें चिदाभास है उसके द्वारा बताया जाता है कि यह घट है। तो दो बातें हो गई, वृत्ति व्याप्ति केवल अज्ञान को नष्ट करती है और फल व्याप्ति जो है उसको ज्ञान देती है। यह कब संभव है, जब विषय जानने वाले से अन्य हो तब। लेकिन जब वृत्ति ने परमात्मा को विषय बनाया तो वृत्ति परमात्मामय हो गई, और वहां मैं परमात्मा को जानने वाला परमात्मा से अन्य है ही नहीं, तो वहां जानने वाला पैदा नहीं होगा। इसीलिए वह ऐसा अनुभव है कि जिसमें अनुभव करता निर्माण नहीं होता, और इसीलिए वहां ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। देखो, और चूंकि ज्ञान का अभिमान नहीं होता तो मैं ज्ञानी बाकी अज्ञानी ये झंझट भी नहीं है। इसलिए जो साधना बताते हैं ये फल व्याप्ति मत होने दो जीवन में। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें फल व्याप्ति होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, ये तो फल व्याप्ति है, ये हो गया, काम हो गया, अब किसने किया हाउ डज इट मैटर। फिर मैं का क्या महत्व रहेगा। इसलिए बुद्धि तस्त चिदाभासौ दौ अपि व्याप्नुतः घटम्। तो बुद्धि और उसमें पड़ा हुआ जो चिदाभास है प्रतिबिंब, वो दोनों के द्वारा उस वस्तु को व्याप्त किया जाता है। वृत्ति के व्याप्ति से घट का अज्ञान कट गया, लेकिन यह घट है यह ज्ञान होता है केवल इस चिदाभास के द्वारा प्रकाशित होने के बाद। उसके पश्चात ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। अब ये ब्रह्म का जो अज्ञान है हमको, उसको नष्ट करने के लिए यह अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति की अपेक्षा है। देखो, वृत्ति की अपेक्षा है, तो इस वृत्ति को परमात्मा में लगा दिया, और परमात्मा क्या है, परमात्मा को कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, इसीलिए अहंकार नहीं। देखो बहुत सिंपल बात है संतो, ये दो चीजें करो, मन को निराकार और निशब्द। निराकार माने आकार का अभाव, निशब्द माने शब्द का अभाव। माने अभाव को जब आप विषय बनाओगे तो आपका मन डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मन को जिंदा रहने के लिए या तो नाम चाहिए या तो रूप चाहिए। देखो एक बार की बात है, एक हमारी अम्मा बहुत ही साधना करती अच्छी है, उसने एक बार मुझे पूछा कि स्वामी जी मैंने कभी पूछा नहीं आपको, आज पूछती हूँ। हम लोग खाना खा करके शाम के समय चल रहे थे, दो ही थे उनके घर के कंपाउंड में, बोले मुझे रात भर नींद नहीं आती, दिन भर सोती होगी। बोले नहीं, दिन को भी नहीं सोती। तुम रियलाइज हो गई फिर? बोले नहीं स्वामी जी, डॉक्टर ने कहा ये खराब बात है, नींद आनी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा दवाई लो। बोले मैं दवाई नहीं चाहती। तो रात को फिर मैं सबके कपड़े लेती हूँ और उसको प्रेस करती हूँ धीरे 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 धीरे, रात तो काटनी है, नींद आती नहीं। बाकी का कोई काम करो तो खटखट होती है, कपड़े के प्रेस में कुछ आवाज नहीं आती। ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा बताओ मुझे आप कैसी सोती हो। तो बोले हमारे महाराज ने जो बताया है वो मंत्र हम लेते हैं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा,
बिस्तर पर गए, हाथ में माला ली, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हमने कहा आपके रोग का डायग्नोसिस हो गया, अब आपकी माला मुझे दे दो, मैंने ले ली, अब जा करके सो जाओ, नींद नहीं आएगी तो सोने का नाटक करो, खेलो नींद नींद, जाकर के 22 करोड़ पे लेट जाओ और अपने हृदय में प्रवेश करो। उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति अवस्था में जीव हृदय में होता है। तुमने कहा लेट जाओ बाएं तरफ, ऐसी भावना करो कि आप हृदय में प्रवेश कर चुके हो, अब सो रहे हो। तो सोते कैसे है, जब सांस गहरी चलती है, ऐसा खेलना शुरू कर दो झूठ मूठ, और वो उसने किया और कस के सो गई। अब इसमें क्या हुआ था, देखो जब वो सोती थी और माला चल रही है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री, उस मन को आप मरने ही नहीं दे रहे। देखो उस मन को डिसॉल्व करना है, जिस भी कारण से मन शांत हो जाता है वो करो। एक बार एक मिडिल ईस्ट से सज्जन आए, तो स्वामी जी क्या करो, मैंने बिल्कुल बहुत गोलियां खाई, नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती, कुछ करो मेरे लिए, कुछ पूजा पोथी बताओ। हमने कहा पूजा पोथी नहीं, भगवद गीता का अध्ययन करो। बोले स्वामी जी भगवद गीता से क्या होगा, शुरू तो थे मेरी बात। उनको मैंने मोटी भगवद गीता की पुस्तक दे दी, बिस्तर में चले जाओ लेटो और ऐसे लेट करके भगवद गीता का अध्ययन करो। दूसरे दिन दौड़ के आए, स्वामी जी परफेक्ट, 2 मिनट में नींद आ गई। देखो भगवद गीता सबका उद्धार करती है, जिसको नींद नहीं आती उसको नींद भी दिलाती है, जिसको नींद आती है उसकी नींद भी उभारती है। देखो संतो, ये मन को गायब करना है तो ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, तो ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है। और स्वयं स्फुरण रूपत्वात् न आभासः उपयुज्यते, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है तो उसको जानने वाला किसी की आवश्यकता नहीं है। माने जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों भेद समाप्त हो जाते हैं, वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जब इस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय भेद समाप्त हो गया तो ज्ञान का अभिमान कैसे होगा। देखो संतो, ज्ञान का अभिमान हुआ तो अभी भी हम केवल वृत्ति में ही फंसे हुए हैं और केवल कल्पना के साम्राज्य में है। चक्षु दीपाम अपेक्षेते घटादेय दर्शने यथा न दीप दर्शने किंतु चक्षु एकम एव अपेक्षते। यदि किसी घट इत्यादि को देखना है तो अन्य प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन यदि दीपक को देखना है तो केवल आंखें ही काफी है। इसी प्रकार से स्थितोप्यसौचिदाभासो ब्रह्मणि एक ही भवेत परे न तो ब्रह्मण्यतिशयम फलम कुर्यात् घटादिवत्। तब यह जो चिदाभास है, जब वो ब्रह्म को विषय बनाता है तो वो ब्रह्म के साथ एक हो गया। देखो, और ब्रह्म के साथ एक होने के कारण न ब्रह्म अति ब्रह्मणि अतिशयम फलम कुर्यात्, और इसीलिए मैं ब्रह्म का जानने वाला हूं, यह ज्ञाता ब्रह्म का पैदा नहीं होता। देखो महाराज, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति उपनिषद में आता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म को जानता नहीं, क्योंकि जानना चित और होना सब एक है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए ये सिद्धांत हमने आपको बताया, जहां जानना और होना एक है वह ब्रह्म ज्ञान है, और इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान में मैं जानने वाला मैं ब्रह्म का जानने वाला ऐसा नहीं होता। तो ब्रह्मवित का तात्पर्य ब्रह्म को जानने वाला नहीं, ब्रह्मवित माने ब्रह्म ही वो भवति, वो ब्रह्म ही है,
ब्रह्म से परमात्मा से अलग होकर के हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, और इसीलिए यह फल व्याप्ति इसमें संभव नहीं है। और यही बात शास्त्रों में बताई है, अप्रमेय मनादिम च अत्र श्रुते इदम ईरितम मनसा एव अवाप्तव्यम इति धीव्याप्यता श्रुता। ध्यान से सुनना, ये दो विषय आते हैं शास्त्रों में। एक जगह कहते हैं कि मनसा एव, मन के द्वारा ही परमात्मा को जानना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि यह परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है, अप्रमेय इत्यादि। और इसमें ऐसा रहता है कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब कहते हैं मनसा एव इदम अवाप्तव्यम का तात्पर्य है मन को या बुद्धि की वृत्ति को परमात्मा को व्याप्त करना संभव है, लेकिन जब वृत्ति परमात्मा को विषय करती है तो वृत्ति गायब हो जाती है। जब वृत्ति गायब हो गई तो फल व्याप्ति मैं जानता हूं ये कैसे पैदा होगा। इसीलिए आकाश जो है इसका कोई आकार नहीं, और आंखें आकार को ही ग्रहण कर सकती है, आंखें निराकार को ग्रहण नहीं कर सकती। हमारे आपके बीच में आकाश है, आकाश का कोई आकार नहीं, लेकिन आप जो इंडिविजुअली बैठे हो उनका आकार है। आकार अनेक है, आकाश एक है, तो अनेकता को ग्रहण करना बड़ा आसान है। तो केवल हम आकाश को देखना चाहे तो सबका त्याग कर दिया और खुले आसमान में खड़े हो गए, आंख को खोल करके आकाश कैसा दिखता है तो क्या दिखेगा, नीलिमा। नीलिमा है अपने ऑप्टिकल इल्यूजन। इसी प्रकार से जो परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है उसको जब देखना शुरू कर देते हैं तो ये जगत दिखता है। देखो, परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में जानना ये सबसे बड़ी गलती है। अप्रमेय अनादिम च, जब कहते हैं परमात्मा अप्रमेय है, जानने जैसा नहीं है, अनादि है, इसका तात्पर्य उसकी फल व्याप्ति नहीं होती। और मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, इसके द्वारा कहते हैं कि केवल वृत्ति व्याप्ति मात्र होती है। यहाँ आकर के अब कहते हैं आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति वाक्यतः ब्रह्मात्मा व्यक्ति मुल्लिख्य यो बोधा सह अभिधीयते। यहाँ ये प्रसंग पूरा करते हैं कि यह जो वाक्य था आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः, तो अयम अस्मि इति पुरुषः, तो इसमें अपरोक्ष ज्ञान की बात हो रही है। इसीलिए इस वेदांत के वाक्य से केवल इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि अपने स्वरूप का ज्ञान अपरोक्षत्व ने कराया गया है, और यही बोध यही अनुभव इस मंत्र के द्वारा अभिप्रेत है। अब इसके पश्चात दूसरा प्रश्न प्रसंग शुरू होता है, उसको हम अगले संदर्भ में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।